सब्जेक्ट ऐसे सी सेक्शन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। बहुत बड़ा साधन है वाटर, सारे लिविंग चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सबके लिए पानी जरूरी है। पानी का उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, सारे कामों के लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। आइए हम देखें पानी की कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पूरे धरती पर पानी उपलब्ध है और एक कह सकते हैं 71% जो है पृथ्वी पर पानी है। और ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर खत्म होता है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के द्वारा ये रिचार्ज हो जाता है। और ये धरती पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इसकी विशेषता है ये मैरीटाइम समुद्री जीव जंतु या नदियों में रहने वाले जीव जंतु के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये गठन होता है, ये देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर पानी की विशेषताएं हो जाती है। आइए अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 71% जो पानी जो है धरती में उपलब्ध है, उसका 97% भाग जो है समुद्र में हमें दिखाई पड़ता है। अधिकतर ये पानी साल्टी होते हैं, इसको उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। 13% इज लेफ्ट, केवल 3% पानी बच जाता है, जिसका 70% पार्ट जो है ग्लेशियर के रूप में, आइस कैप के रूप में जहां तहां ये रहता है। केवल लेस देन 30% पानी ही ग्राउंड वाटर या नदियों तालाबों में जो पानी है उसका उपयोग फ्रेश वाटर के रूप में हम करते हैं। यानी 3% ही फ्रेश वाटर है, उसका 30% ही जिसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं नदियों तालाबों या अंडरग्राउंड वाटर। तो आइए अगर हम देख लेते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। पृथ्वी जब से बनी तब से पानी जितनी मात्रा में उपलब्ध था पृथ्वी पर, आज भी उतना ही है। ये एक प्रोसेस चलते रहता है वाटर साइकिल में। इसमें क्या होता है, वाटर पृथ्वी को कांस्टेंट मोशन हमेशा रहता है, अगर अगर स्टेशन बदलते रहता है लिक्विड से गैस रूप में, गैस से फिर सॉलिड रूप में, ऐसे होकर के प्रोसेस पर चलते रहता है। इस प्रोसेस को ही चेंज ऑफ वाटर, पानी के स्टेज बदलने की अवस्था बदलते रहता है, स्वरूप बदलते रहता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आइए आप लोग क्लियर माध्यम से भी समझ लेते हैं। इसमें सूरज की गर्मी कारण बहुत गर्मी बढ़ती है, तो पानी इवेपोरेट होकर वाष्पित होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और धीरे जाकर ऊपर ठंडा होने के बाद कंडेंस होकर के अलग वेपर जो है बूंद-बूंद ये वाटर पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स साथ मिलकर के क्लाउड रूप बन जाता है। और जब बादल पानी की क्षमता नहीं रह पाती तो बरसना शुरू होता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल, स्नो, रेन। इन रूप में पानी हमारे अलग अलग जगहों, ठंडी जगहों पर बर्फ के रूप में, बर्फ या हेल रूप में गिरता है, या जो नॉर्मल क्लाइमेटल क्षेत्र है वहां पर पानी में बरसता है। ये फिर पानी इवेपोरेट होकर ऊपर के कंडेंस होकर के फिर वर्षा के रूप में ये फिर नीचे आ जाता है नदी तालाबों में होते हुए ये फिर समुद्र में चला जाता है। इस तरह देखते ही पूरा एक साइकिल चेंज चलते रहता है हमेशा, ये कभी रुकता है। तो ये तो पानी के वाटर साइकिल हम लोग देखिए। अब आगे हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। पानी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर्याप्त मात्रा पानी उपलब्ध है, इसके बावजूद भी लोग पानी कम महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे कारण है, वाटर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। इसमें जो भी पानी है उसका हम उसको कंटेमिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, तो हमारी पूरी कर लायक नहीं रहते, उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, बहुत सारे सोर्स है जिसका हम देख लेते हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स एंड सीवरेज जो होता है घरों से, जो हम विभिन्न में हम पानी का उपयोग करते हैं, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग के लिए बहुत सारे काम लोग उपयोग करते हैं। पानी डिस्चार्ज होकर नदियों में बिना ट्रीटमेंट के तो पानी से पानी दूषित हो जाता है, नदियों का पानी भी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बहुत सारे उद्योगों का कारखानों में बहुत सारे फॉर्म में लिक्विड सॉलिड रूप में ये वेस्टेज निकलते रहता है, और बिना ट्रीटमेंट किए कंपनी के
कारखाने क्या करते हैं, नदियों में अपने सीवेज ये जितना वेस्टेज है उसको नदियों में डायरेक्ट डाल देते हैं, उससे पानी दूषित हो जाता है। तीसरा होता है ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है, ऑर्गेनिक वेस्टेज इसको कहते हैं खास करके जहां पर साबुन भरे कारखाने हैं, साथ ही साथ जहां पर डिटर्जेंट बन रहे हैं साफ करते हैं वॉशिंग उपयोग करते हैं, ये साथ ही डिटर्जेंट हो गया, दवाइयाँ बनती हैं, पेंट बनता है, फर्टिलाइजर जब खेतों में देने जिसमें खाद डालते हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक वेस्टेज के अंतर्गत आ जाए। इसका भी हम बिना ट्रीटमेंट के जो वेस्टेज होता है नदियों तालाबों में जाता है उसे पानी दूषित होता है। ऑर्गेनिक वेस्टेज खास करके ये आपका कारखानों से और एग्रीकल्चरल वेस्टेज के रूप में भी ये नदियों में जाता है, तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज जाता है क्या करता है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपयोग करता है, उससे जलीय जीव मरना शुरू हो जाते हैं, जो भी मछलियां हैं दूषित होकर मरना शुरू हो जाते हैं। अगला इसमें पॉइंट होता है रेडियोएक्टिव वेस्टेज होता है, बहुत जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट वगैरह आ जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, कहीं भूल से कहीं रेडिएट कर गया या उस पानी को डिस्चार्ज नहीं कर दिया गया, उससे पानी क्या होता है दूषित हो जाता है। तो ये देखिए पॉल्यूशन के बहुत सारे काफी से सोर्सेज हो जाते हैं जिसके माध्यम से पानी दूषित हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे लिविंग बॉडीज के लिए, जो भी उनके लिए किसी कंजर्व करना जरूरी, उसको बचा कर रखना जरूरी है कि आने वाले समय में साथ साथ प्रेजेंट में उसका उपयोग सही से कर सके। ये क्योंकि पानी हमारे कंटिन्यूइंग करके दूषित कर देते हैं, ये उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे इसको बचाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज हमारे डायरेक्ट गंगा नदियों में जाकर मिलना शुरू करते हैं पानी दूषित हो जाता है, वहाँ क्या करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को उसको फिल्टर करके उसको प्यूरीफाई करके नदियों में डाला जाएगा तो पानी दूषित नहीं होगा, या उस पानी का हम क्या करेगा इरिगेशन के कामों में भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, उसे तो बहुत सारा पानी का अधिक मात्रा में उपयोग हम किस काम करते हैं इरिगेशन सिंचाई के लिए भी, जहाँ पर नदियाँ नहीं है वहाँ पर लोग ग्राउंड वाटर का पानी के रूप में ज्यादा उपयोग करते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, इससे क्या ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं उसका पानी पीने के लिए करते हैं और सिंचाई के लिए करते हैं, तो जो भी वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके जो सीवेज प्लांट है लगा करके ये पानी का उपयोग हम कम से कम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, उससे हमारे ग्राउंड वाटर भी बचा रहेगा, साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन करेंगे पेड़ पौधे लगाएंगे उससे भी क्या होता है मिट्टी को बाधित रहता है, पास प्रदूषित होती है छिंता हो जाती है, पानी जो बरसात होती है फिर सिप करके पानी अंदर जाता है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, तो ये करेंगे साथ ही साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड का उपयोग करेंगे सिंचाई के लिए भी डीप इरिगेशन मेथड का उपयोग करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड इसमें पाइप के माध्यम से पानी फवारे के माध्यम से भी खेतों में पानी आता है उससे क्या पानी की बचत होती है ये करेंगे, साथ ही साथ रिवर लिंकेज का काम सबसे बड़ी चुनौती हमारे पे है, कुछ जगहों पर प्रदेशों में या कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है जो वहाँ पर नदियों में ज्यादा पानी है यहाँ नदियों में कम पानी है उसे लीक करके उसे बाढ़ को रुका सकता है, साथ ही साथ उस पानी का उपयोग अन्य कामों के लिए भी कम कर सकते हैं, तो ये रिवर लिंकेज बहुत फायदेमंद है जो पानी को डाइवर्ट एक जगह दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए उसमें बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, और सबसे लास्ट में ये हम करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हम उपयोग करेंगे, उससे क्या होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा क्षेत्र है उष्ण बंजर क्षेत्र है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करते हैं उस पानी को इकट्ठा करते हैं उस पानी का हम बहुत ज्यादा गर्मी के समय ड्राई मौसम हो जाता है गर्मी के समय में उस पानी का हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए उपयोग कर सकते हैं या अन्य कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं, इस तरह हम पानी को बचा सकते हैं और ये लंबे समय तक इसका हम पहले से उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।